नमस्कार, मैं मुकेश वत्स पब्लिक एशिया में आपका स्वागत करता हूं। लॉकडाउन इंडिया का छठा दिन है। आपको मालूम है कि कल एक एडवाइजरी गृह मंत्रालय ने जारी की, जिसमें राज्य सरकारों को कहा है कि लॉकडाउन का सख्ताई से पालन हो। इस एडवाइजरी के बाद हमारी पब्लिक एशिया की टीम ने NCR के बॉर्डरों का दौरा किया, जहाँ पर उन्होंने पाया कि इसका पालन हो रहा है या नहीं। 63 बॉर्डर पर मौजूद स्वाति वर्मा ने कुछ समाज सेवी लोगों से बातचीत की और वहां मौजूद कुछ पुलिस कर्मचारियों से भी बात की। देखिए हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। मैं स्वाति वर्मा पब्लिक एशिया न्यूज से इस वक्त खड़ी हूं नोएडा बॉर्डर पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पूरे देश में लॉकडाउन का सरकार ने आदेश दिया हुआ है, फरमान जारी किया हुआ है। अब इसको लेकर के सरकार ने सभी राज्य में बोल दिया है, फरमान जारी कर दिया है कि सभी लोग इसका सख्ती से पालन करें। कल जैसा कि गृह मंत्रालय ने आदेश दिए हैं कि जो भी इंसान, जो भी लोग इसका लॉकडाउन का सख्त पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होगी और FIR का लॉन्च किया जाएगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ नोएडा बॉर्डर पे पुलिस प्रशासन से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि कितने लोगों ने इस लॉकडाउन का पालन नहीं किया है या किया है, कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने लॉकडाउन का पालन नहीं किया है और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। नमस्ते सर, आप लोग इस वक्त जी आप लोग जो इस समय कार्य कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसके लिए आप लोग को सबको बहुत धन्यवाद। आपको भी सर, आपको भी थोड़ा आप भी बचाओ जी सर। थोड़ा अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूँगी सर, गृह मंत्रालय ने कल एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें उन्होंने बोला है कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, व्यक्ति जो भी इस लॉकडाउन का पालन नहीं करेगी उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई और FIR लॉन्च करी जाए। तो आप लोग यहाँ पे दिन रात यहाँ खड़े हुए हैं, तो कितने लोग ऐसे अभी तक मिले जिन्होंने पालन नहीं किया हो, या उसके अलावा उसके अगर कोई ऐसा है तो आपने उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की है? ऐसा कोई भी व्यक्ति अब यहाँ पे नहीं आ रहा है जो मतलब नाजायज घूम रहा है, इस टाइप का कोई भी व्यक्ति यहाँ पे नहीं आ रहा है। जो है पास वाले हैं, जो हॉस्पिटल हो गया और ये आपका जी मीडिया हो गया, पेट्रोल वाले हैं, सफाई कर्मचारी हैं, तो इसके अलावा कोई नहीं जा रहा है। अच्छा, जब मुख्यमंत्री योगी जी ने जिस दिन ऐलान किया था तो जो फंसे लोग हैं उनको हम उनके घर तक पहुंचाएंगे, ठीक है, तो उसके 2 दिन के अंतराल में काफ़ी पब्लिक सड़क पर दिखी, बहुत लोग बसों में घुस घुस के दिखे अभी उस दिन तो, लेकिन कल से क्या हाल है, क्या पब्लिक कम दिख रही, क्या कल से क्या सड़कों पे चहल पहल और क्या मतलब किस तरीके से दिख रही है पब्लिक सड़कों? जो पब्लिक आई थी उनके लिए गाड़ियों की व्यवस्था हो गई थी, गाड़ियों के द्वारा वो उनके गृह स्थान तक पहुंचा दिए गए। अब उसके अलावा कोई पब्लिक रोड पर नहीं है, जो जा रहे हैं अपने काम से जा रहे हैं, कौ दुखा आदमी। तो मतलब उस दिन जिस दिन ऐलान किया था उसके 2 दिन और आज में काफ़ी कमी आई है लोगों की? आज में काफ़ी कमी है जी, आज कोई ना गाड़ी की व्यवस्था है ना पब्लिक है। गाड़ी की व्यवस्था भी थी और पब्लिक भी थी, वो सब अपना पहुँच चुके हैं। धन्यवाद सर। और अब जो आ रहे हैं उनको वापसी उनके घर पर भेज रहे हैं कि अपने घर पर सुरक्षित रहो भैया, व्यवस्था उनकी यहीं हो जाएगी। ठीक है सर, धन्यवाद सर। हाँ जी, तो आप इस वक्त सभी को पानी बांटेगा कर कर, जो मिल रहा है उसको भी और जो नहीं मिल रहा उसको भी, जो नहीं मिल रहा सभी को दे रहे हैं पानी। तो जैसे खाना अभी खाना। जैसे मुख्यमंत्री योगी जी ने ऐलान किया था कि जो भी लोग फंसे हुए हैं उनको उनके घर पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है, तो जिस दिन मोदी जी ने ऐलान किया था उसके 2 दिन लोग सड़क पे भरे पड़े थे, बसों भरे पड़े थे, अभी क्या दिख रहा है सड़कों पे, लोग कितने दिख रहे हैं, क्योंकि आप लोग सब बांट रहे हैं, आप लोग को थोड़ा दिख रहा होगा, तो सड़कों पे कैसे लोग दिख रहे हैं? ना के बराबर दिख रहे हैं, बहुत ही कम कमी आई है लोगों की, मतलब इसका मतलब है लोगों को उनके घर तक सुरक्षित सही सलामत पहुँचाया जाए। जी जी, ग्रेटर नोएडा से होते हुए आ रहे हैं हम, हमको बहुत ही कम मिल रहे हैं और यहाँ तक आ चुके हैं हम अब तक। 45 जाटव समाज से हम अपने जो जितने हमारे जो भाई मजदूर और जो परेशान हैं और जो लोग जो काफ़ी दूर से जो ना भूखे प्यासे चले आ रहे थे, उनकी हेल्प करने के लिए हम सब लोग अपने मोहल्ले वाले, अपने बस्ती वाले, हम सब के लिए ये खाना प्रोवाइड और ये सबको पानी मुहैया करा रहे हैं। ये जाटा सा समृद्धि के लोग हैं जो लोगों को, जो ज़रूरतमंद लोगों को सड़कों पे, जो इस वक्त जिनको पानी नहीं मिल रहा है, खाने की दिक्कत है, उन सभी के लिए, उन सभी को खाना बांट रहे हैं और पानी की व्यवस्था करा रहे हैं। इनके इस नेक काम के लिए पब्लिक एशिया न्यूज़ इन सबको धन्यवाद देती है। वहीं दूसरी तरफ हमारी संवाददाता पूजा मिश्रा ने आज खोड़ा और 58 चेक पोस्ट पर दौरा किया और वहाँ पर पुलिस कर्मचारियों से बातचीत की। देखिए हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं पूजा मिश्रा, आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज़। जैसा कि आप सभी जानते हैं कल रात एक एडवाइजरी जारी की गई, उसके तहत अगर लॉकडाउन का कोई उल्लंघन करता है तो कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। आप देख सकते हैं खोड़ा बॉर्डर ये पूरा सील हो चुका है,
तो हम जानते हैं यहाँ के पुलिस कर्मियों से कि अब तक ऐसे कौन से लोग दिखे जिन्होंने लॉकडाउन का उल्लंघन किया है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ के पुलिस कर्मी से। सर आपका नाम? महनपाल सिंह। तो आज हम बात करेंगे महनपाल सिंह से। तो जैसा कि कल एडवाइजरी जारी की गई कि लॉकडाउन को लेकर जो लोग इसका उल्लंघन करते हैं तो उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। तो आप तो यहाँ 24 घंटे तैनात रहते हैं, तो ऐसे कौन से लोग आपको दिखे जिन्होंने इस उल्लंघन किया होगा? नहीं मैडम, कुछ ज़्यादा ऐसे खास नहीं, बस दो चार जो कम उम्र के हैं, 17-18 उम्र के वैसे आते हैं, ज़्यादातर नहीं आते लोग इधर। तो देखा आपने, लॉकडाउन का उल्लंघन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, लोग अपना कर्तव्य समझ कर इस लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। और आप हमारे वीडियो में भी देख सकते हैं कि पुलिस कर्मी किस तरह लोगों को एक लोगों की जांच कर करके ही आगे जाने दे रही है। सोमपाल से हम बात करते हैं, सोमपाल जी से, और जानते हैं कि क्या है स्थिति बॉर्डर पर। अब तो नॉर्मल हो गई, नॉर्मल हो गई, अब तो बहुत कम आ रहे जो आ रहे, जो कम जो पत्रकार हैं, डॉक्टर हैं, सफाई कर्मचारी हैं, ये जा रहे हैं। तो सर जैसा कि कुछ लोग लॉकडाउन के बाद खाने पीने से बहुत परेशान थे, लोग अपने घर जा रहे थे, और कुछ लोग उसी में जो ज़रूरतमंद नहीं थे वो भी जा रहे थे। तो कल एक एडवाइजरी जारी की गई कि लॉकडाउन को लेकर अगर वो कोई उसका पालन नहीं करता तो पालन कर रहे हैं मैडम, सभी पालन कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं, कोई भी आ रहा जो आ रहा है इक्का दुक्का उसे हम भगा देते हैं, जाइए घर मरेगी आप। NH9 बॉर्डर पर हमारी संवाददाता मोहनी की देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में क्या स्थिति रही वहाँ। नमस्कार, मैं आपके साथ मोहिनी, आप देख रहे हैं पब्लिकेशन न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हाईवे पे NH9, जहाँ से कहीं भी जा रही गाड़ियाँ सिर्फ इसी हाईवे से गुजरती है। आप देख सकते हैं इस हाईवे को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। हाईवे पर इस वक्त ज्यादा भीड़ नहीं दिखाई दे रही है, सिर्फ मौजूदा लोग ही दिखाई दे रहे हैं जो जिनका कोई काम की वजह, या फिर डॉक्टर, मीडिया या पुलिस, बस उन्हीं के लिए यह रोड जारी किया गया हुआ है, लेकिन आगे जाके ये रोड पूरा सील कर दिया गया है। आपका नाम? जंगवादा सर। जंगवादा जी, आप कहाँ जा रहे हैं? रूम पे जा रहे हैं, रूम। अभी आप कहाँ से आ रहे हैं? ATO से। ATO से, मतलब आप वहाँ काम करते हैं? जी सर। तो अभी आप अपने घर जा रहे हैं? आप सभी रूम पे जा रहे हैं? रूम मतलब रूम कहाँ है आपका? ATO में, ATO अन्ना नगर। तो वहाँ तक आप पैदल जा रहे हैं? जी सर। अच्छा, तो मतलब आप काम क्या करते हैं? लेबरगिरी करते हैं सर। लेबरगिरी करते हैं। कल एक एडवाइजरी जारी की गई है कि जो लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए नजर आएंगे उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, उनको जेल भी हो सकती है। मैं बस आपसे यही आशा करती हूँ, यही निवेदन करती हूँ कि जो ये लॉकडाउन लगाया गया है ये सिर्फ और सिर्फ 21 दिन का है। कल ये भी एक ऐलान किया गया है कि ये लॉकडाउन सिर्फ 21 दिन का है, इसे और 21 दिन में से 6 दिन आप पार कर चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ अब 14 दिन बचे हैं, उन्हें भी आप पूरी सख्ती के साथ, पूरे नियमों के साथ पालन कर लीजिए। अगर आप इसका सही तरीके से पालन नहीं करेंगे तो नुकसान सिर्फ आपको होगा, ये बीमारी हमारे कंट्रोल में नहीं आ पाएगी। ये 15 दिन आप अपने घर में ही रहें, घर से कहीं बाहर ना जाएं, आपको राशन पानी से लेके कोई भी दिक्कत है तो आपको घर में ही है पूरी सुविधाएं दी जाएंगी। और कोरोना वायरस जैसी अपडेट को लेकर, लॉकडाउन जैसी अपडेट को लेकर हम आपके पास पहुंचाने के लिए हम लोग हैं, हम लोग आप तक पूरी अपडेट पहुंचाते रहेंगे। हाईवे के नजदीक कुछ पुलिस कर्मचारी चेकिंग कर रहे थे, जहां पर एक अधिकारी से मोहिनी ने की खास बातचीत, देखिए हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। आपका नाम सर? नवीन कुमार। तो हमारे साथ नवीन कुमार दरोगा जी हैं, हम उनसे बात करते हैं कि जो मंत्रालय ने कल एक एडवाइजर जारी किया उसका लोग कितना पालन कर रहे हैं, और ये भी साथ ही बताया गया है कि जो लोग इसका उल्लंघन करेंगे उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। तो आइए बात करते हैं। गृह मंत्रालय से जो एडवाइजरी जारी हुई है उसका कड़ाई से पालन कराया जा रहा है, और जो भी व्यक्ति पलायन करने के लिए जो ये निकले हुए थे इनको समझा बुझा करके वापस घरों को भेजा जा रहा है, और पूर्णतः सख्ताई से पालन कराया जा रहा है इस चीज़ का।
सर जो लोग इनका उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी उनका उल्लंघन करते हुए जो नजर है उन्हें सख्त से सख्त सजा, मतलब उन्हें जेल जो पहुंचाने का राय। बिल्कुल 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 मैडम, यदि कोई नहीं मान रहा है तो उसका उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्यवाही भी कराई जा रही है, उसको थाने ले जाया जा रहा है, FIR भी दर्ज होगी उसके खिलाफ। तो दरोगा जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी अभी तक कुछ लोग आपको ऐसे नजर आए? अभी तक मैं यहाँ सुबह से ड्यूटी पर हूँ और मेरे यहाँ पर ज़्यादा भीड़भाड़ अब बिल्कुल भी नहीं है, पूर्णतः रोड जो इसेंशियल सर्विस वाले हैं लोग वही चल रहे हैं, अदरवाइज ऐसे कोई भी व्यक्ति नहीं है। कुछ लोग हैं जो अब वापस पीछे से भी उनको वापस कर दिया गया है, वो अपने घरों को वापस जा रहे हैं। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग इसका उल्लंघन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं जी। धन्यवाद। तो सुना आपने, लॉकडाउन के पूरे समर्थन में लोग नजर आ रहे हैं, इसका कोई भी ज़्यादा संख्या में उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। मैं मोहिनी, कैमरामैन अभिषेक तोमर के साथ। जहां लॉकडाउन को लेके सख्ताई से पालन हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक अच्छी खबर आई इंदिरापुरम से। इंदिरापुरम में कुछ समाज से भी खोड़ा मकनपुर के रहने वाले लोगों को खाना खिला रहे हैं। मकनपुर के ये लोग एक ऐसा काम कर रहे हैं जो बहुत ही सराहनीय है। नमस्कार, इस वक्त हम खड़े हैं गाजियाबाद के इंदिरापुरम न्यायखंड में, जहाँ पे ये यहाँ के जो लोग रहते हैं, आसपास के लोग, ये सब मिल करके पिछले 3 दिन से राहगीरों के लिए, भूखे लोगों के लिए जो सड़क पर भटक रहे हैं उनके लिए खाना बना रहे हैं, पानी उनको वितरण कर रहे हैं, खाने पीने की चीज़ें उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। आइए पूछते हैं इनसे। सर क्या नाम है आपका? संजय त्यागी जी। सर ये जो आपने एक मुहिम चालू की है, जो इनिशिएटिव लिया है, कुछ बताएंगे इसके बारे में? ये हम गांव देहात के आदमी हैं, अपनी तरफ से भावना से भूखे आदमियों को खाना दे रहे हैं। तो इसमें कौन कौन लोग हैं, थोड़ा सा कुछ इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएंगे? इसमें महेंद्र त्यागी हैं, हरि प्रधान जी हैं, सीताराम हैं, सत्येंद्र हैं, हम 8-9 घर के ही हैं, चाचा ताऊ। तो आप लोगों ने यहाँ पे इतने लोग बैठा के रखे हैं, ये खाना बना रहे हैं और लोगों को आप जी, तो आप कैसे लेके जाते हैं, कहाँ पे इनको वितरण करते हैं, कहाँ बांटते हैं? भर भर के जा रही है, हाईवे पे भी, खोड़ा पे भी, जहाँ सरकारियों का फोन आ जाता है वहाँ भी, पटवारी कह दें तो वहाँ गाड़ी भेज दें, कोई भी कह दे वहीं गाड़ी भर के बांट रहे हैं। तो कौन कहता है आपको? आप लोग खुद अपने हिसाब से लेके जाते हैं, कोई आपको बोलता है? अपने हिसाब से भी बांट रहे हैं हम 2 गाड़ी, लेकिन खाना कोई कह दे तो उतना फालतू और बनवा दें। सर आप एक बहुत अच्छा और नेक काम कर रहे हैं, पर ये बताइए कोरोना वायरस जैसे है, इसको लेकर आप लोग सब जाते होंगे, पर इसको लेकर आप क्या पूरी सावधानी बरत रहे हैं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो क्या? हाँ, ग्लव्स, सैनिटाइज, सारी चीज गैल में, सारी चीज लेके, सारे मास्क सब लगाए के, सब चीज एकदम, और वहाँ भी हाथ धुलवाए के, धुलवाने का पानी अलग है, सैनिटाइज अलग है, खाना बिल्कुल पैक सेफ अलग है। सर ये जो आप लोगों ने सब, इतने आसपास के लोग हैं, सब लोगों ने मिल करके एक इनिशिएटिव लिया है कि खाना बना करके सभी लोगों को वितरण करना है जिनको ज़रूरत है, इसके बारे में कुछ मुझे बताएंगे? हाँ ये ऐसा है, जो गरीब आदमी है जिनको रोटी नहीं मिल रही, बहुत परेशान है, उन लोगों के लिए किया है। हम लोग भी वैसे परेशान हैं, पर परेशानी में परेशानी क्या करें जाए, तो हम तो वैसे भी बीमार हैं, पर बालक ने बेचारे अपने करके कर रहे हैं तो ठीक है, पुण्य का काम है, पुण्य कर रहे हैं। तो ये देखिए इधर न्यायखंड में, इंदिरापुरम में, यहाँ पे लोग जो है किस तरीके से सामान पैक कर रहे हैं, खाना पीना पैक कर रहे हैं, और गाड़ी में भर भर के सुबह और शाम को जगह जगह जहाँ पे ज़रूरतमंद लोगों की ज़रूरत है उनको पहुँचा रहे हैं। ये जो मुहिम इन्होंने चलाई, जो इनिशिएटिव इन्होंने लिया है, इसके लिए पब्लिक एशिया टीम एक बहुत सराहनीय और इन सबको धन्यवाद देती है। ऐसी ही खबरों के लिए पब्लिक एशिया के साथ जुड़े रहें, और हाँ हमारे यूट्यूब चैनल पब्लिक एशिया को सब्सक्राइब जरूर करें।